अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टेकिंग योर इंग्लिश लिटरेचर, सो फॉर दिस पर्पज़ यू विल हैव टू ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड गेट द पेज नंबर 97, बिकॉज वी वॉन्ट टू डिस्कस द चैप्टर द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। सो काइंडली ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 97 इन योर बुक। ऑल राइट, एज़ यू कैन सी एट योर स्क्रीन पेज नंबर 97 मैंने खोल लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड आउट द होल कॉन्टेक्स्ट। देयर इज़ अ चैप्टर द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ खिते हैं और उन खितों में जो रीजन्स हैं, रीजन्स में जो इट्स मीन के जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स का मतलब होता है उर्दू में सकाफत और रीजन्स का मतलब होता है खित्ते। इट्स मीन कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ खितों में जो मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर दिस पर्पज़ यू विल हैव टू रीड आउट योर होल कॉन्टेक्स्ट थोरली। आपको पूरा चैप्टर इत्मीनान से, सुकून से पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, ताकि फिर जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आए। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक समरी रेडी की है, द कस्टम्स ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो उसको मैं रीड करूँगी और रीड करके इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो होपफुली कि आपको ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा स्टाइल है, वो आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Pakistan is a charming country and it is full of sceneries of various kinds and it has different regions of climates also. These geographical and climatic variations are reflected in the customs of various regions of Pakistan. अब first paragraph में Pakistan जो हमारा country है, जो हमारा वतन है, इसके charm के बारे में बताया गया कि it's a charming country, एक खूबसूरत मुल्क है। इट इज़ फुल ऑफ सीनरीज, मतलब नेचुरल ब्यूटी। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को नेचुरल ब्यूटी से नवाजा है। इट्स मीन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो खिते बने हुए हैं, मतलब माउंटेन एरियाज़ हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब जो साहिली, जो समंदर वाला जो इलाके होते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है। हर कलर, हर रीजन इसके अंदर शामिल है। इट हैज़ डिफरेंट रीजन्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑल्सो। उस हिसाब से जब रीजन्स डिफरेंट हैं तो उन रीजन्स के क्लाइमेट्स मीन्स आबो हवा भी डिफरेंट है। जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, मतलब जो माउंटेन एरियाज़ हैं, वो सर्द हैं। जो रेगिस्तानी इलाके हैं मीन्स जो प्लेटूज वगैरह जो इलाके हैं, वो गर्म हैं। जो साहिली इलाके के जो साहिली इलाके हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में, उनका वेदर मॉडरेट रहता है। इट्स मीन ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना सर्द, मीन्स कि कराची का जो वेदर है वो मॉडरेट होता है। हाँ, जून जुलाई में, क्योंकि वो एक्सट्रीम वेदर होता है, लेकिन वो भी एज़ कम्पेयर टू दी अदर इतना एक्सट्रीम नहीं पहुँचता जितना दूसरे रीजन्स में ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये कोस्टल एरिया, इट्स मीन यहाँ पर समंदर है, समुद्री इलाका है, तो इसलिए एक समंदर का एक बहुत बड़ा हमारे पास बेनिफिट है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करेंगे प्रोविंसेस की, हम प्रोविंस वाइज अपने रीजन्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रोविंस को कवर किया है वो है खैबर पख्तूनख्वा। इट्स मीन जिसको हम पहले, मतलब फॉर्मली हम उसको क्या कहते थे, फ्रंटियर कहते थे। नाउ अब हम कहते हैं इसे खैबर पख्तूनख्वा। पठान्स ऑफ फ्रंटियर रीजन्स आर ब्रेव एंड स्टडी, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वॉर लाइक, दे हैव फाउट अगेंस्ट इन्वेडर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर फायर आर्म्स। As power of a tribe depends on number of men, so Pathans feel happy over the birth of son. They protect the refugee at the cost of their lives and they show hospitality to the guest. Their favorite food is meat. Pathans जो हैं, इनके बारे में, इनकी एक history रह चुकी है, एक बहुत अच्छी history इनकी रह चुकी है।
कि ये बहुत बहादुर कौम है, ब्रेव और स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? मजबूत। मीन्स इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फिज़िकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं पठान। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड बॉल्ड लाइक, और जंगजू किस्म के इंसान होते हैं, और वो हमेशा अपनी दिफा के लिए खड़े रहते हैं। कोई भी अगर उन पर हमला आवर हो जाए तो वो उन्हें जाने नहीं देते। इसमें एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, दे हैव फाउट अगेंस्ट इन्वेडर्स फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हज़ारों सालों की इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने कैसे हमेशा अपनी सरहदों की हिफाजत की है, ये जंगजू कौम है। एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर फायर आर्म्स। फायर आर्म्स का मतलब होता है हथियार, और उन्हें अपने पास जो उनके पास जो हथियार हैं उनका बड़ा प्राउड होता है एक तरीके से। एज पावर ऑफ आर ट्राइब डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मैन, जैसे किसी वो जो कबीलों में रहती है, ये बेसिकली कबीलों में रहते हैं, और इनके जो कबीलों की जो ताकत होती है वो वहाँ के मर्द समझे जाते हैं। इस तरीके से जब भी पठान की फैमिली में कोई बेटा पैदा होता है तो वो बहुत ही समझो कि खुशी का दिन होता है। देव को के समझते कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी ज़मीन पर। दे प्रोटेक्ट द रेफ्यूजी एट द कॉस्ट देयर लाइव्स। इसका मतलब ये है कि वो रेफ्यूजीज़ का मतलब होते हैं वो लोग जो पनाह लेते हैं, बेसिकली एक जगह से अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना और वहाँ पनाह लेना, बेसिकली इट्स अ रेफ्यूजी। तो ये हमेशा जो भी इनके पास आता है उनकी इनके यहाँ पनाह लेता है तो ये अपनी जान पर खेल के भी उसकी हिफाजत करते हैं। दे शो हॉस्पिटैलिटी टू देयर गेस्ट। बहुत मेहमान नवाज होते हैं, एंड देयर फेवरेट फूड इज़ मीट, और जो इनका पसंदीदा खाना है वो गोश्त है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या? वो गोश्त जो होता है वो लैम का पसंद करते हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्राइब, दिस इज पंजाबी। अच्छा जी, पंजाब हैज़ बीन कॉल हार्ट ऑफ पाकिस्तान बाय कायद आज़म। कायद आज़म कहते थे कि पाकिस्तान का जो दिल है ना वो पंजाब है। इट हैज़ बीन सीट ऑफ लर्निंग फ्राम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे जो तदरीसी अमल है, एक तरीके से तदरीस का एक मदारसों का क्या कहते हैं, एक तालीमी सरगर्मियों का एक तरीके से ये सेंटर है। पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर, ये फितरतन नेचर जो इनकी फितरतन मतलब जो मेजॉरिटी में हमने देखा है मजहबी होते हैं। दे अफेयर्स आर यूजअली कनेक्टेड विद उर्स ऑफ सेंट्स, और इनके जो भी पंजाबियों के जो उर्स जो फेयर्स वगैरह मतलब जो फेस्टिव्स और इनके फेस्टिवल्स और जो फेयर्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मली उर्स से सेंट से जुड़े होते हैं। मीन सूफियाना टाइप उर्स वगैरह पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इन विलेज लिव फार्मर्स हैज़ बी देयर हो गया, ये तो हो गया। इन द इवनिंग दे सिट इन द चौपाल मेक चिटचैट सिंग सॉन्ग्स एंड टॉक अबाउट द डे टू डे प्रॉब्लम्स। एंड द चौपाल मेक चिटचैट सॉन्ग्स एंड टॉक अबाउट द डेज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इसके बारे में, और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, देयर मैरिजेस आर कलरफुल होल विलेज टेक्स पार्ट इट इन इट। इसका मतलब ये है कि इनकी एक जगह पंजाबी जो होते हैं पंजाब में नॉर्मली जो गांव बने हुए हैं, उन शहरों में तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई सिस्टम अब है नहीं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन जो गांव वगैरह हैं तो वहाँ पे क्या होता है चौपाल सिस्टम होता है। चौपाल क्या होता है कि एक ऐसी एक सिटिंग बना देते हैं कि जहाँ पर आदमी मिल के बैठते हैं, और मतलब हर इलाके में चौपाल होता है तो वहाँ पर बैठ के चिट चैट करते हैं आपस में, दोस्त नेबर्स वगैरह गाने वगैरह गाते हैं, और जो भी दिन की प्रॉब्लम्स या फिर आने वाले डे टू डे जो भी जो कमिंग डेज में जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होती हैं उसे डिस्कस करते हैं। और पंजाब की जो मैरिजेस होती हैं बहुत कलरफुल होती हैं, और गांव में ख़ास तौर पे ये गांव का जिक्र कर रहे हैं, होल विलेज टेक्स पार्ट इन इट, और पूरा गाँव इसमें शिरकत करता है इनकी शादियों में। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोविंसेस बलूचिस्तान। बलोचीज लीड वेरी हार्ड एंड सिंपल लाइफ ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर। बलूचिस्तान का वेदर एक्सट्रीम है एक तरीके से, मतलब सर्द रहता है, और ये बहुत एक मुश्किल लेकिन सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। कौन? बलोचीज, बलूचिस्तान के रहने वाले। दे सिट एंड स्लीप ऑन फ्लोर, मतलब उनकी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, वो बैठते सोते खाते पीते सब ज़मीन पर।
वाटर इज़ हार्ड टू गेट, पानी हासिल करना वहाँ बहुत मुश्किल है. बलूचिस मैरिजेज आर ऑल्सो कलरफुल, जो बलूचों की जो शादियाँ होती हैं वो भी कलरफुल होती हैं, मीन्स खूब खूब उनके फंक्शंस वगैरह, अच्छी कस्टम्स और रिचुअल्स हैं उनके भी. एंड दे सिंग एंड डांस ऑन लेवली बीट ऑफ ड्रम्स, ड्रम बीट पे वो डांस करते हैं, गाने भी गाते हैं ड्रम बीट्स पे. एंड ब्राइड ग्रूम्स अरेंजेस फूड फॉर ऑल गेस्ट, दूल्हा दुल्हन गेस्ट के लिए खाना अरेंज करते हैं. फूड इज़ ब्राउड विद बारात, जो बारात आती है इट्स मीन जो लड़का लड़के वाले होते हैं वो खाना अपने साथ लाते हैं. इट्स मीन इट्स नॉट अ बर्डन ऑन द ब्राइड फैमिली, मतलब दुल्हन वालों पे कोई बर्डन नहीं कि वो बारात को खाना खिलाएं. बारात जो आती है वो अपना खाना खुद लाती है, मतलब लड़का जो ग्रूम होता है वो सबको लंच या जो भी क्या कहते हैं टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, तो वो खुद करवाते हैं. वुमेन्स ऑफ बलूचिस्तान वेयर मोस्ट ऑफ ज्वेलरी एट ऑल द टाइम. जो बलूचिस्तान की जो खवातीन होती हैं उनकी स्पेशलिटी ये है, वो सबसे डिफरेंट इसलिए भी नज़र आ सकती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी कैरी करती हैं. ओके, नेक्स्ट इज सिविलाइजेशन ऑफ सिंध, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. दुनिया के कदीम तरीन सकाफतों में, तहजीबों में सिंध सर फहरिस्त है. द सिंधी पीपल आर ऑल्सो रिलीजियस बाई नेचर, ये भी फितरतन नेचर वाइज रिलीजियस होते हैं, और मोस्ट ऑफ देयर फेस्टिवल्स आर रिलीजियस, और इनके जितने भी त्यौहार होते हैं वो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं. पीपल फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान कम टू सेलिब्रेट द उर्स ऑफ शहबाज कलंदर एंड शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई. पाकिस्तान में लोग मुख्तलिफ शहरों से, गांव से आते हैं सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शहबाज कलंदर की मज़ार पर, जहाँ उनका उर्स होता है वहाँ मिलके सेलिब्रेट करते हैं. फोक सॉन्ग्स आर संग ऑन इकतारा एट द एम ऑफ उर्स, जो भी उर्स होता है शाह शहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, तो उस पर ये एक जो इंस्ट्रूमेंट है इकतारा वो यूज़ किया जाता है इस तकरीब पर. और एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहे हैं अलगोज़ा, इकतारा अलगोज़ा, ये दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो सिंध में इस्तेमाल किए जाते हैं उर्स के मौके पर. अब ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं और ये क्या करते हैं, सिंध की स्पेशलिटी के वो उर्स पे ही बजाते हैं और उस पर डांस करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं. सिंधी एम्ब्रॉयडरी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सिंध की जो कढ़ाई बुनाई क्या कहते हैं इसे, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं इसे उर्दू में, तो सॉरी उर्दू में तो कढ़ाई कहते हैं, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है. मिरर वर्क इज़ ऑल्सो कॉमन इन सिंध, जो मिरर वर्क होता है इट्स मीन जो शीशे का जो काम है आजकल बहुत इन है, तो मिरर वर्क इज़ ऑल्सो कॉमन इन सिंध. सिंध में बेसिकली मिरर वर्क बहुत सदियों से ये कस्टम है कि जो वहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो वुमेंस होती हैं, वो मिरर वर्क करती भी हैं और उसे क्या कहते हैं बना के वो सेल भी करती हैं. तो मिरर वर्क इज़ ऑल्सो कॉमन इन सिंध. ओके, तो आपने सुना देखा कि पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हर कल्चर हर कस्टम खूबसूरत है, सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है. तो इस पूरी टेक्स्ट बुक में सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर तो ये था. होपफुली आपको भी इस चैप्टर में, आपको भी चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आपको करना क्या है. आपके लिए एक होमवर्क है क्लास 10, आपको ये 15 क्वेश्चंस को आंसर्स करने हैं अपने स्कूल के फेयर रजिस्टर्स में, और इसको सबमिट भी करना होगा एज़ पर द प्रिस्क्राइब डेज ऑफ सबमिशन. सो लेट मी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर द पठान्स एंड फूड ऑफ व्हाट काइंड डू दे लाइक. पठान किस किस्म के लोग होते हैं और वो किस किस्म का खाना पसंद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एंड व्हाई डज अ ट्राइब मैन अनाउंस द बर्थ ऑफ अ सन. कैसे और क्यों अपने बेटे की पैदाइश, मतलब लड़के की जो बेटे की जो पैदाइश होती है उसे कैसे अनाउंस किया जाता है. बेसिकली समझो कि ये बताना है कि किस ट्राइब में ये ज़्यादा
इसे इसकी इंपॉर्टेंस है, किस ट्राइब में ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, वाई इज़ द पंजाब कॉल्ड द सीट ऑफ लर्निंग, पंजाब को सीट ऑफ लर्निंग क्यों कहा जाता है, वेयर डू द पंजाबीज फार्मर्स सिट इन द इवनिंग, पंजाबी किसान शाम में कहाँ बैठते हैं, वॉट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर ऑन द लाइव ऑफ बलोचीज एंड वाई बलोचिज लीड सिंपल एंड नोमैडिक लाइफ। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के जो बाशिंदे हैं, जो रिहायशी हैं वहाँ के, तो वो कैसी ज़िंदगी गुजर मतलब बसर करते हैं। नोमैडिक लाइफ मींस ये कि वो खाना बदोशों वाली ज़िंदगी बसर करते हैं, कभी किस जगह कभी बलूचिस्तान में, और एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल पर वहाँ के वेदर का क्या इम्पेक्ट है। डिस्क्राइब द बलोची वेडिंग, बहुत आसान क्वेश्चन। How old is the civilization of Valley of Mehran and name the university exited that time? Mehran, a Valley of Mehran, वादी मेहरान की civilization कितनी पुरानी है और वहाँ पर कौन सी university exist करती है। What were who are the famous saints of Sindh? सिंध के famous saints मतलब सूफिया कराम के नाम बताने हैं, सिंध की सकाफत के बारे में बताना है, famous crafts हैं वहाँ के मतलब जो दस्तकारी वगैरह है, handicrafts। तो हाउ आर द मैरिजेस अरेंज्ड एंड वेडिंग सेरेमनीज परफॉर्म अमंग पठानस, पठानस के दरमियान जो वेडिंग सेरेमनी होती है वो कैसे अरेंज होती है। वाई इज़ द पंजाब कॉल हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब को हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। वाई वॉट इज़ एन उर्स एंड हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, उर्स क्या होता है उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस होती है बेसिकली। What is sandy and where it is used? Sandy क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। And write the main theme of this lesson। इस चैप्टर में जो भी आपने शुरू से आखिर तक पढ़ा इसका थीम क्या है, मीन्स इसमें क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं मे बी पॉसिबल कि मैंने समरी में कवर ना किया, कुछ बातें ऐसी, लेकिन आपको क्या करना है, चैप्टर रीड करोगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको उस टेक्स्ट में मिलेगा, हर कॉन्टेक्स्ट का मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट रीड करने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस विच आई गिवन यू। तो जब तक आपकी स्कूल्स ओपन नहीं होती हैं तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।